Good morning, dear students. Welcome back in our online class. Today is our English term. So, students, open your page number 32 of your Carnival book. तो आज हम लोग Carnival book में M और N letter पढ़ेंगे. Okay? तो start करते हैं. Draw standing and slanting lines in the letter M. M letter को बनाने के लिए हमें standing line और स्लैंटिंग लाइन को ड्रॉ करना होगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर ये स्लैंटिंग लाइन, एक और स्लैंटिंग लाइन, और ये लास्ट में एक स्टैंडिंग लाइन. ये बन गया हमारा लेटर एम. एम फॉर क्या होता है? एम फॉर मैंगो. एम ए एन जी ओ, मैंगो. मैंगो मीन्स आम. आम कैसा होता है? मीठा मीठा और बहुत ही यम्मी होता है. M for monkey भी होता है, M for moon भी होता है ना. एक बार फिर से ट्राई करें इसको बनाना. सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर ये स्लैंटिंग लाइन, एक और स्लैंटिंग लाइन, और ये लास्ट में एक स्टैंडिंग लाइन. ये बन गया लेटर M. ऐसे ही आप भी ट्राई कीजिएगा. स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, है ना. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ट्रैक द लाइंस. आप इसे भी आप कंप्लीट कीजिएगा स्टैंडिंग और स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करके. कलर द पिक्चर्स. एम फॉर मंकी भी होता है, एम फॉर मशरूम भी होता है, और एम फॉर मून भी होता है. तो आप इस पिक्चर को कलर कीजिएगा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है. अब क्या है भाई? अब ये है लेटर एन. एन फॉर क्या होता है? एन फॉर नेस्ट. और एन को बनाने के लिए हमें स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करके हमें एन बनाना है. तो स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से बनेगा. एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद एक स्लैंटिंग लाइन, और फिर ये लास्ट में एक और स्टैंडिंग लाइन. है ना, वेरी इजी. इसी तरीके से ये एन बन गया. तो एन फॉर क्या होता है? एन फॉर नेस्ट होता है. एन ई एस टी, एन फॉर नेस्ट. नेस्ट मीन्स घोंसला. अब घोंसला किसे कहते हैं? घोंसला जो है वो चिड़िया बनाती है अपने रहने के लिए, मतलब चिड़िया का वो घर होता है. चिड़िया जो है वो तिनका को इकट्ठा करके वो अपने लिए घर बनाती है, उसे हम लोग नेस्ट बोलते हैं. अब एक बार फिर से देखते हैं एन को बनाते कैसे हैं. एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक और स्लैंटिंग लाइन, लास्ट में स्टैंडिंग लाइन. ये बन गया हमारा लेटर एन. स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बन गया. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ट्रैक द लाइंस. आप इसे कंप्लीट कीजिएगा. और कलर द पिक्चर्स. आप इस पिक्चर को कलर कीजिएगा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, जो कलर आपको पसंद हो. एंड फॉर और क्या होता है? एंड फॉर नेट. एंड फॉर नूडल्स भी होता है, और एंड फॉर नट भी होता है. एंड फॉर नोज भी होता है ना. तो स्टूडेंट्स, आप लेटर एम और एन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे कंप्लीट कीजिएगा.